वेटर, यस मैम। वो देखो मंत्री जी वहां बैठे हैं, खाली हाथ बैठे हैं, जरा खातिरदारी करो, ड्रिंक सर्व करो। सर क्या है ये? मैंने क्या किया? क्या है ये सर? कल रात भी कल रात आप ही ने कुछ ज्यादा पी ली थी, मैंने नहीं, समझे आप? और ये लड़की, इस लड़की पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। जब देखो तुम्हारे आगे पीछे परिक्रमा करती रहती है। वाई? आई एम श्योर इसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। आई गेट यू योर ड्रिंक, मैं बना के लाती हूँ। मिनिस्टर साहब, आपकी ड्रिंक गिर गई। अरे मैं समझता हूँ, जब मैं भी चार पैक लगा लेता हूँ तो मुझे भी भूत भूत दिखने लगते हैं, और एक भूत के साथ तो हम रोज ही घर पे रहते हैं। हम पति ना एक ही नाव में सवार हैं, पति कम वनस्पति ज्यादा। अरे हाँ, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ हेलो। हाँ ओ नो, आपका ड्रिंक गिर गया। मैं आपके लिए नया ड्रिंक लेके आ रही नहीं नहीं बुरा मान जाएगा फ्रेंड्स। मेरी बेटियों टू बी होने वाली बहुओं के लिए यह हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, आशीर्वाद समझ कर। एक सेकंड मॉम, हम दोनों का गिफ्ट मतलब क्या? दे तो रही हूँ ये लाइफ टाइम गिफ्ट, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच आंटी। सुनो, दोनों बेटी को ऊपर लेके आओ। जी, यही सही मौका है, चल दाब लगा ले। ये लो कैश, पता है ना कहां लेके जाना है? ठीक से लेके जाना, ठीक है? डैड, डैड आप भी ना, दिस इज टू मच। हाँ, आपने इसे फंक्शन के बीच में से इतने अर्जेंटली हमें क्यों बुला लिया? हम दोनों सेरेमनी बीच में छोड़ के आए। अरे बेटा, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे डैडी क्या गिफ्ट देने वाले हैं तो सेरेमनी भूल जाओगी। अच्छा, गिफ्ट से याद आया कि रिट्स भी बहुत कंप्लेन कर रहा था कि उसके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। बेब, जस्ट गिव क्वाइट, डैड को तो बोले दो। अरे अरे अरे, एक मिनट, क्या करते रहते हो? ये लो तुम दोनों के सपनों की चाबी। डैड, ये किसी चाबी है? बेटा ये चाबी नहीं, तुम्हारे डैडी का गिफ्ट है। याद है कुछ साल पहले हम गोवा गए थे? यस। हाँ। आप दोनों को 20 साइड विलाज बहुत पसंद आई थी। हाँ। खरीद लिया आपके डैडी ने, आप दोनों की पसंद। What? Oh my God, are you serious? I love you, Dad. Thank you so much. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे हमारे लिए सब करेंगे। अगर आपको इतना ही बड़ा सरप्राइज देना था तो सबके सामने दे देते ना। मैं भी रिस्क को दिखा देती कि आप सबसे बेस्ट डैड हो। अरे बेटा, इतना महंगा गिफ्ट सबके सामने देता तो लोग हजार सवाल करते कि इतना पैसा कहाँ से आया। तुम भी किसी को मत बताना, अपने पतियों को भी नहीं, समझ गए? ओके डैड, आई लव यू सो मच। रिया ना एक्साइटमेंट में क्रेजी हो जाती है। रीम, तुम भी जाओ, हल्दी की तैयारी करो। क्या बात, लार्जर देन लाइफ का सपना पूरा किया है आपने अपनी बेटियों के लिए आज। देखा नहीं इतनी खुशी उनके चेहरे पे जब आपने उन्हें चाबी दी। अरे ये खुशियां देने के लिए तो इतनी बड़ी लेन देन कर रहा हूँ, मेरा सपना ही क्या है? अपनी बेटियों के सपने पूरे करना, तुमको खुश रखना, अपने परिवार की सेवा करना, अपनी स्वीट सी बीवी की सेवा करना, यही तो मेरी असली देश सेवा है। देखो क्या है, जब बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है ना तो हर हद और हर शर्त तोड़नी पड़ती है। दुश्मनों से भी दोस्ती करनी पड़ती है और सर काटने वालों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। इसलिए हाथ मिला मिलाकर अपने पैरों के नीचे की जमीन बढ़ा रहा हूं, अपनी ताकत बढ़ा रहा हूं। जितनी मेरी ताकत बढ़ेगी उतनी मेरी हुकूमत बढ़ेगी।
और जितनी हुकूमत बढ़ेगी उतनी इज्जत बढ़ेगी। जो मैं दुश्मन देश से डील करने जा रहा हूं ना, अगर ये हो गई तो हमारी चार पुश्तें घर बैठ कर आएंगे। आपके तो राज भी गजब के। नाउ लेट्स गेट रेडी। दाएं हाथ से कब देते हो तो बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता। जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे जाना है हल्दी सेरेमनी के लिए। ओके, तुम अभी भी स्ट्रेस में लग रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी इस कमरे में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो एक काम करो, भाई साहब के कमरे में चले जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो और बाद में आ जाना। चल। मैं आपको वेट कर रहा होगा, बहुत गुस्से में होगा। जल्दी से हल्दी करके निकलती हूँ। जी हल्दी। चलो निकलो यहाँ से। क्या 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 मतलब? यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मुझसे मिल सको। मयंक, मैं तुम्हें मिलने आ ही रही थी। और ये सब क्या काम कर रही हो तुम? हाँ, कितने पैसे दे रहे हो तुम इस जॉब के लिए? जॉब करने ही आई हो ना, या किसी लड़के से मिलने आई हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ सर, चल क्या रहा है? अफेयर चल रहा है तुम्हारा? मयंक, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। चलो। देखो सीमा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुमसे ये बात शेयर कर रही हूँ, वरना आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। कल रात को रीम के डैड ने इतनी पी ली थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे होश में ही नहीं थे, चीखे चिल्लाए जा रहे थे, औरत 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 औरत। और ये औरत, ये तुम्हारी सिक्योरिटी वाली? आई जस्ट डोंट लाइक हर। हां सीमा, आई रियली डोंट लाइक हर। जब देखो चिपकी पड़ी रहती है, और आज तो मैंने इनको भी इससे बात करते हुए देखा है। सीरियसली माना कि ये हमारे सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ऐसे कपड़ों में, ये लो नेक टाइट फिटिंग ड्रेस में और ये जूतों में, इन आदमियों की फितरत तुम नहीं जानती हो। कबूल उर्वशी, पहले तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे हस्बैंड जो है वो देश के मिनिस्टर है, उनकी फितरत ऐसी नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती हो ये बात कि तुम मेरी समधन हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात शेयर कर रही हूँ। सुन, पहले तू ये समझ ले, तेरे पति को ऐसी नजरों से इस लड़की को कभी नहीं देखेगी। राधा। अब जी पचाई जी, हल्दी की रस्म शुरू करनी है, जाओ जाकर हल्दी लेकर आओ। जी। घर में हजारों नौकर हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ राधा ही मिली हुकुम झाड़ने के वास्ते। राधा हल्दी ले आओ। ए, सुनो। हाँ। वो मंचली लड़की ना, उसे कहो हल्दी लेके आए। जाओ रुको, मैं लेकर। अरे ये ब्रो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हल्दी वाले से ज्यादा हल्दी पार्टी में इंटरेस्ट दिखा रहा है? मुझे बिग बी, टप्पा डांस इज सो ओपी ना? वेरी ओपी। अरे कभी तो पूरी लाइन बोल दे कि टप्पा डांस इज ओवर पावर नॉट ओपी। तो एक काम कर, तू जाके गेम कंटिन्यू कर, मैं भी आता हूँ। ओके। डोंट वरी, अभी क्लास लेकर आता हूँ इसकी।